जो होते हैं बहुत सारे टेस्ट यूज़ होते हैं जिनमें इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से रिग्रेशन है, कोरिलेशन है, ANOVA है। लेकिन यहाँ पर मैंने जो कि टॉपिक ही मेरा रिग्रेशन कोरिलेशन का सब, दैट इज़ व्हाई आई हैव टू बी इंक्लूडेड जस्ट ऑनली रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। मेरे पास जब क्वान्टिटेटिव वेरिएबल्स में अगर मेरे पास वन वेरिएबल है तो हम जस्ट सिंपल इन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यूज़ कर सकते हैं, मेजर ऑफ डिस्पर्गेन यूज़ कर सकते हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मैंने आपको बताया था कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में बेसिकली हम क्या चेक करते हैं, एवरेजेस चेक करते हैं, मीन, मीडियन, मॉड, ज्योमेट्रिक मीन। और मेजर ऑफ डिस्पर्गेन में हम लोग क्या करते हैं, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह। और ये कौन से टेस्ट है जब हमारे पास ओनली वन वेरिएबल होता है। लेकिन अगर मेरे पास वन से ज़्यादा वेरिएबल्स हों तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे, या तो रिग्रेशन यूज़ करेंगे या हम कोरिलेशन यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे तो हम या रिग्रेशन यूज़ करेंगे या हम कोरिलेशन यूज़ करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिफाइन अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द रिग्रेशन। रिग्रेशन इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। It is a process by which we estimate the value of the dependent variable based on one or more independent variables. Regression is basically, in simple words, regression is basically the relationship between the dependent and independent variable. Okay, it is very important for you to define what is your dependent variable and what is your independent variable. So, in simple words, it is a process which you estimate the value of the dependent variable. हमें डिपेंडेंट वेरिएबल को एस्टिमेट करना होता है, ठीक है। और वो डिपेंडेंट वेरिएबल किस पर बेस कर रहा होता है, वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर। यानी आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, मोर देन वन भी हो सकते हैं, वन भी हो सकता है। लेकिन जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो जस्ट ओनली वन होता है, क्योंकि उसके जरिए हमने वैल्यू एस्टिमेट करनी होती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की। Example, for example, we have two quantitative variables. One is weight and the second one is height. हमारे पास suppose कर रहे हैं, हमारे दो quantitative variables हैं। पहले को आप weight कहेंगे, दूसरे को आप क्या कहेंगे, height कहेंगे। Weight is depend upon the height, so weight is the dependent variable and height is the independent। देखें आपके पास दो in simple, I have taken this simple example कि आपके पास weight और height जो है ना, हमारे पास दो independent variables, दो variables हैं। अब weight जो है वो किस पर depend कर रहा है, आपकी height के ऊपर। वेट जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, आपकी हाइट के ऊपर। सो वेट इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड हाइट इज़ द इंडिपेंडेंट। वेट जो है हमारा डिपेंड चुके करता है हाइट पर, तो हमारा वेट जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल कंसिडर होगा और हाइट जो होगा हमारा इंडिपेंडेंट होगा। When we have two variables such as the production of yield and fertilizer, here production is dependent and fertilizer is independent। देखें फॉर एग्जाम्पल आपने आपके पास प्रोडक्शन लेना चाहते हैं, आप वीट की प्रोडक्शन लेना चाहते हैं, आपको वीट की जो है ना प्रोडक्शन लेना चाहते हैं। ये यील्ड की जो प्रोडक्शन है वो किस पर डिपेंड करी है, आपके फर्टिलाइजर पर। यील्ड की प्रोडक्शन किस पर डिपेंड करी है, आपके फर्टिलाइजर पर। अगर आपकी फर्टिलाइजर अच्छी होगी तो ऑब्वियसली आपकी प्रोडक्शन भी अच्छी होगी। नो डाउट देयर आर सो मेनी फैक्टर्स इन्वॉल्व इन दिस, बट इन जनरल फॉर्म अगर आप फर्टिलाइजर आपकी अच्छी होगी देन ऑब्वियसली योर प्रोडक्शन ऑफ यील्ड इज़ वेरी गुड। सो प्रोडक्शन इज डिपेंडेंट एंड फर्टिलाइजर इज इंडिपेंडेंट। In regression we use x notation for the independent variable and y notation for the dependent variable। जाहिर है आपने यहाँ पर क्लैरिफाई करना है कि what is your independent variable and what is your dependent variable। So in general form you have used the x notation for the independent variable and y notation is the dependent variable। Regression is also called the cause and effect relation। Cause is independent and effect is the dependent variable। In general form regression majority in terminology words we can say that cause and effect relationship। अक्सर आपने सुना होगा कि cause और effect relationship भी हम रिग्रेशन को बोल रहे होते हैं। cause को हम इंडिपेंडेंट कहेंगे और effect को हम लोग क्या कहेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। सो लीनियर रिग्रेशन, अभी मैंने आपको इन सिंपल वर्ड्स के हम रिग्रेशन के अंदर जो हम चेक कर रहे होते हैं कि व्हाट इज़ द डिपेंडेंसी, व्हाट इज़ द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट रिलेशनशिप। रिग्रेशन के अंदर जो है अब हम इन सिंपल वर्ड्स हम कहेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस is the linear regression। Regression analysis involves one independent and dependent variable in which the relationship between is approximated by a straight line known as the linear regression। Basically मैंने आपसे कहा था कि dependent variable में मैं back पर जाती हूँ थोड़ा सा, कि मैंने आपसे बोला था कि regression जो होता है वो क्या होता है, हमारा relationship होता है dependent variable का और independent variable का। और ये process होता है जिसमें हम value जो है find out estimate कर रहे थे dependent variable की, जो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मद्देनजर रखते हुए या एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को मद्देनजर रखते हुए। तो जब लीनियर रिग्रेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। क्लियर है एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, क्योंकि रिग्रेशन के अंदर हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक होगा बट इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे एक से ज़्यादा हो सकते हैं। जब मैं लीनियर की बात करूँगी दैट इज़ बाउंड कि आपने एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल लेना है और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेना है। और यहाँ पर क्या होता है, जब उनका रिलेशनशिप हमारा बनेगा तो वो अप्रॉक्सीमेटेड क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। अगर आप उसका ग्राफ चेक करेंगे लीनियर रिग्रेशन का तो दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन। Independent variable is also called regressor and dependent variable is also called the response variable। आप independent variable को regressor भी कह सकते हैं और dependent variable को हम response variable भी कह सकते हैं। Regression analysis, the technique used to develop the equation and provide the estimate is called the regression analysis। आपकी वो टेक्निक जो इक्वेशन को डिवेल्प करती है या प्रोवाइड करती है, एस्टिमेट्स को प्रोवाइड करती है, दैट इज कॉल्ड द रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन लाइन है स्ट्रेट लाइन इन दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। रिग्रेशन लाइन क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है जो दो वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है, दैट इज़ द स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पर लीनियर रिग्रेशन है, यहाँ पर हमारे पास जो दो हैं, एक वेट्स है और एक हमारी क्या है, प्राइस है। ये हमारी स्ट्रेट लाइन बन रही है। स्ट्रेट लाइन कैसे बन रही है कि देखें आपको जितने भी वैल्यूज़ हैं, फॉर एग्जाम्पल कि ये हमारे पास वेरिएबल्स की वैल्यूज़ हैं और ये हमारे पास प्राइस की जो है ना कोई वैल्यूज़ आई हैं। आप गौर करें, रफली अगर आप ड्रॉ करें तो ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है, दैट इज़ अ लीनियर रिग्रेशन। नाउ सिंपल लीनियर रिग्रेशन, सिंपल लीनियर रिग्रेशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो ये कि वाई हैड इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स आई, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन रिग्रेशन मॉडल हो जाएगा, पॉपुलेशन रिग्रेशन मॉडल होगा। यहाँ पर y क्या है, y है, y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। मैंने आपको पहले कहा था कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को आपने यहाँ पर डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है रिग्रेशन के अंदर। y इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये जो ऊपर हैड डाला है दैट इज़ द एस्टिमेटेड, y हैड इसका मतलब है एस्टिमेटेड वैल्यू। एस्टिमेटेड वैल्यू जो भी हमने बात की है, अल्फा हमारे पास इंटरसेप्ट है, बीटा हमारे पास स्लोप है, एक्स जो है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एप्सिलॉन आई जी एरर टर्म होती है। ठीक है, बेसिकली रिग्रेशन लाइन के अंदर दो पैरामीटर्स होते हैं, दैट इज द अल्फा एंड बीटा। दो पैरामीटर्स हैं, अल्फा और बीटा। इसको हम लोग क्या करेंगे, पॉपुलेशन मॉडल कहेंगे, पॉपुलेशन रिग्रेशन मॉडल कहेंगे। लेकिन जब हम इसकी बात करेंगे, हम लोग इसकी सैम्पल की बात करेंगे, अगर मैं y हैड इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स आई, तो जब रिग्रेशन मॉडल पॉपुलेशन मॉडल होगा तो अल्फा बीटा आएगा, मॉडल वही है, सिर्फ आपकी नोटेशंस फर्क आ गई है। जब पॉपुलेशन से रिग्रेशन निकाल रहे होते हैं तो अल्फा प्लस अल्फा और बीटा का नोटेशन यूज़ होता है, और अगर सैम्पल रिग्रेशन मॉडल यूज़ करेंगे दैन ए और बी यूज़ करेंगे। पॉजिटिव रिग्रेशन में अगर आप चेक करें, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव रिग्रेशन से क्या मुराद है, जब हमारे वेरिएबल जो होते हैं इन सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। सेम डायरेक्शन से क्या मुराद है, देखें अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर का मतलब क्या होगा, अगर आपकी गर्मी ज़्यादा होती है, आपका एनवायरनमेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होगा, तो ऑब्वियसली आपकी आइसक्रीम की जो है डिमांड बढ़ जाएगी। यानी टेम्परेचर के बढ़ने से आपकी डिमांड ऑफ आइसक्रीम जो है बढ़ जाती है, दैट इज़ द पॉजिटिव रिग्रेशन। ठीक है, इसी तरह हमारे पास इन सिंपल वर्ड्स कि आपकी जो मूवमेंट होती है वो अपवर्ड होती है, एक चीज़ के बढ़ने से दूसरे चीज़ की डिमांड जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। हालांकि आइसक्रीम का या आपके देखें सर्दियों के अंदर इन विंटर्स आपका कॉफ़ी और जो हॉट ड्रिंक्स होती हैं वो बढ़ जाती है, उनकी डिमांड बढ़ जाती है, कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी, चाय की डिमांड बढ़ जाएगी, बट इन समर्स इसकी डिमांड बहुत लो हो जाती है। क्लियर है। नेगेटिव जो है, नेगेटिव में हम लोग क्या बात करेंगे, इसको आप ऑपोजिट देख लें, इसको आप ना ऑपोजिट फॉर्म में देख लें कि नेगेटिव में क्या करेंगे कि समर्स में जो होती है वो आपकी आइसक्रीम की जो डिमांड होती है वो बढ़ जाती है, समर्स में आपकी आइसक्रीम की डिमांड बढ़ जाती है। तो अगर आप इसकी अगर इसी में आप नेगेटिव पिक करना चाहें तो इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से कि इन द समर्स द कॉफ़ी द डिमांड ऑफ कॉफ़ी इज़ लेस देन द विंटर। ठीक है, कि जो आपकी कॉफ़ी की डिमांड होती है वो क्या होती है, बहुत कम हो जाती है इन समर्स में, बढ़ जाती कम हो जाती है ना। लेकिन अगर आप समर की बात करेंगे तो आपकी डिमांड जो होगी वो कम हो जाएगी कॉफ़ी की, आइसक्रीम की डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप विंटर की बात करेंगे, विंटर में क्या होगा, आपकी जो है ना कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी कंपैरेटिव टू द आइसक्रीम। अब ये नहीं है ना कि मैम हम तो आइसक्रीम खा लेते हैं सर्दी में, नो डाउट जो स्टैट्स होता है वो ऑल ओवर की बात कर रहा होता है, स्पेसिफिक लोगों को जो है ना डिस्कस नहीं करता। कुछ लोगों को सर्दियों में आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद होती है, इसमें जनरल पहले ही आपको बता दूँ। स्कैटर प्लॉट देखें, इसके ये एक ऐसा प्लॉट है जिसमें किसी किस्म का कोई पैटर्न नहीं बन रहा, कोई पैटर्न बन रहा है ऑब्वियसली नहीं बन रहा। तो जो इस तरह का प्लॉट होता है इट्स मीन कि देयर इज अ नो रिलेशनशिप। जो वेरिएबल्स आपने डाले हुए ना, जो भी आपने वेरिएबल्स डाले हुए उनके दरमियान किसी भी किस्म का कोई रिलेशनशिप मौजूद नहीं है। टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप में मैंने आपको डिफाइन किया हुआ है कि नेगेटिव जो है इसकी डाउनवर्ड मूवमेंट होती है, पॉजिटिव की अपवर्ड मूवमेंट होती है। जीरो का मतलब क्या होता है कि इसमें कोई मतलब जो है रिलेशनशिप नहीं है। कर्वी लीनियर का मतलब होता है समटाइम जो है ना वो आपका कर्व की फॉर्म में जो है ना रिलेशनशिप शो हो रहा होता है। जस्ट आपने इसको माइंड में रखना है। Important that properties of the regression model. What is the properties of the regression model? The regression line y hat is equal to a plus b bx has the following properties. Number first is the regression line passes through the means of the independent and dependent variables. की जो हमारी regression line होती है जो हमने ऊपर define किया हुआ है कि y hat is equal to a plus bx, तो ये independent और dependent variables के दरमियान से pass कर रही होती है। The sum of errors is equal to zero. Sum y hat minus y I is equal to zero. ये हम प्रॉपर्टीज ऑलरेडी डिफाइन भी कर चुकी हूँ मैं आपको। रिग्रेशन पैरामीटर्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारे कौन से रिग्रेशन पैरामीटर्स है? दो पैरामीटर्स है, अल्फा और बीटा, या ए और बी, दो पैरामीटर्स होते हैं। उनको जो कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर ओएलएस मेथड। ये मेथड का नाम है, इसको ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर कहते हैं या ओएलएस कहते हैं। सेकंड है मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड या एमआईएल, एक ही बात होती है। आपने जो हमने मतलब रिग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने न्यूमेरिकली वो किससे यूज करने हैं? ओएलएस के जरिए जो है ना हमने अपने पैरामीटर्स को जो है वो फाइंड आउट कर रहे होते हैं। थोड़ा सा डिफाइन कर दूं, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन क्या होता है? इन मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन आपसे इन सिंपल वर्ड्स यू हैव to be asked about what is the simple linear and what is the multiple linear regression. Simple linear regression ये होता है उसमें just only one variable, one independent variable होता है and one is dependent variable. But when we talked about the multiple linear regression, तो multiple linear regression में क्या होता है कि आपका just only one dependent variable होता है और more than one independent variables होते हैं, more than one. वो आपके पास 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। कि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में हमारे पास क्या होगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल 1 होगा बट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या हो जाएंगे हमारे पास एक से ज़्यादा हो जाएंगे। दैट इज कॉल्ड द मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। आई एम श्योर आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इसको आप बहुत गौर से देखिएगा, समझिएगा। हैव यू एनी क्वेश्चन तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।